तो कहते हैं मुहर को रसिका भूमि भाव का, कह रहे हैं जो मुख्य हो, मुख्य यानी मुख्य जानते हो आप, मुख्य यानी प्यासा भूखा, कैसा हो जो भूखा हो, जो जिज्ञासा लेकर के उस मां भगवती की कथा को सुने। वैसे तो इस चराचर में मनुष्य लेकर के जीव से लेकर के असुर पर्यंत तक हर कोई कथा सुन सकता है उस मां भगवती की, लेकिन कहते हैं जो क्या हो, जिसको मोक्षा हो, जिसको पिपासा हो, जिस प्रकार एक प्यासा व्यक्ति होता है ना, उसको अगर पानी पीने के लिए दे तो क्या करता है, बड़ी आराम से उस पानी को पीता है, उस समय किसी से वार्तालाप भी नहीं करता है, अपनी प्यास को बुझाता है। जिस प्रकार एक भूखा व्यक्ति हो, उसने कई दिनों तक भोजन न किया हो और उसे अचानक क्या मिल जाए, भोजन मिल जाए, तो क्या करता है वो भूखा व्यक्ति, उस भोजन को खाते समय किसी से वार्तालाप नहीं करेगा, किसी से कुछ बोलेगा नहीं। जिस प्रकार वह प्यासा व्यक्ति पानी को पीता है, भूखा व्यक्ति भोजन को करता है, उसी प्रकार व्यक्ति को कथा सुननी चाहिए। किस प्रकार, प्यासे की तरह, भूखे की तरह कथा को सुनना चाहिए। आपके मन में पिपासा होनी चाहिए, आपके मन में क्षुधा होनी चाहिए कथा को सुनने के लिए, वो कथा सुनने का अधिकारी है। क्योंकि जब तक हमारे मन में जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक हम मां भगवती की कथा को सुन नहीं सकते हैं। इसलिए मन में जिज्ञासा यानी पिपासा यानी भूख ये अवश्य होनी चाहिए। कथा का अधिकारी कौन है, जो भूखे की तरह कथा को सुने, प्यासे की तरह कथा को सुने। आपने देखा होगा समुद्र होता है ना, उस समुद्र में अनेक सारी नदियां जाकर के क्या होती है, बोलते क्यों नहीं हो, मिल जाती है। क्या वो समुद्र कभी कहता है कि बस बस हो गया, कहता है नहीं, कहता है। जिस प्रकार वो समुद्र में अनेकों नदियां आकर के मिल जाती हैं, वो समुद्र कभी नहीं कहता है कि बस हो गया, वो तो अथाह है, जहां तक उसमें जल जाता रहे वो उसमें समाता रहता है। इसी प्रकार कथा के श्रोता को भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सागर की तरह। अब आप बोलोगे सागर की तरह कैसा होना, कि जिस प्रकार उस सागर में अनेक नदियां आकर के मिल जाती है, क्या कभी उसने कहा कि मेरे से कुछ थोड़ा ले लो, या उसने कभी बाहर फेंका, कभी नहीं। इसी प्रकार हमें भी कथा को सुनना चाहिए, जिस प्रकार उस सागर में सारी नदियां क्या होती है, विलीन हो जाती है, व्याप्त हो जाती है, जहां जहां हमें भगवती की कथा को श्रवण करने को मिले, हमें क्या करना चाहिए, अपने हृदय में उतारना चाहिए। ये हृदय क्या है, हमारा पेट क्या है, सागर है, इसमें उस मां भगवती की कथा को हमेशा विराजमान करना चाहिए। श्रोता कभी भी ये नहीं कहता है, जो सत्ता श्रोता रहता है, कि मां भगवत की कथा को हमें नहीं सुनना है, जितनी बार सुनने को मिले उतनी बार सुननी चाहिए, अपने हृदय में समानी चाहिए।